सो गाइस, आज हम शेयर कर रहे हैं बहुत ही मजेदार बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी, जिसे हम सिर्फ एक कप गेहूं के आटे के साथ बनाएंगे और बनाने में भी बहुत ही आसानी। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है। इसमें हम डालेंगे लगभग एक कप के करीब गेहूं का आटा। गेहूं का आटा ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लगभग आधे चम्मच के करीब जीरा। जीरा ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लगभग आधे चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लगभग एक चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लगभग आधे चम्मच के करीब आमचूर पाउडर। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे दो चम्मच के करीब सफेद तिल। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच के करीब कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लगभग दो चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लगभग आधे चम्मच के करीब नमक। नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इन सारी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से मिला लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका डो बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसका एकदम सॉफ्ट सा डो बनाकर रेडी कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसका डो बनाकर रेडी करना है। साइड में मैंने एक उबला हुआ आलू लिया है। अब हम नाइफ की हेल्प से इस तरह से इसे मैश करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे एकदम अच्छे से मैश कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे मैश करना है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे लगभग आधे चम्मच के करीब नमक, साथ ही आधे चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, साथ ही आधे चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच आमचूर पाउडर। अब हम इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे एकदम अच्छे से मिला लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारे आलू की टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसे इस तरह से दो भागों में डिवाइड करेंगे और इस तरह से एक लूही लेंगे और इसे रोटी की तरह बेल लेंगे। हमें इसे एकदम पतला बेलना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से हमें इसे बेलना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे बेल लिया है। अब हम इसके ऊपर आधे चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स डालेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। हरिया धनिया ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल ऐड करने के बाद हम इसे बेलन से एकदम अच्छे से सेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसके ऊपर हल्के हाथों से बेलन घुमा लिया है। अब हम एक कटोरी लेंगे और इस तरह से इसे पूरी की तरह कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से मैंने सारी पूरी कट कर कर रेडी कर लिया है। अब जो बाकी का आटा बचा है अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इनमें से एक पूरी लेंगे और इसे थोड़ा और बेल लेंगे। हमें इसे थोड़ा सा और बड़ा करना है। अब हम आलू की थोड़ी सी लूही लेंगे और इस तरह से इसे राउंड करेंगे। अब हमने जो पूरी बेल कर रखी थी इसके अंदर हम इसे सेट करेंगे और ऊपर से हम इस तरह से इसे कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से हमें इसे सेट करना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमें बाकी के भी बनाकर रेडी करने हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सारे बनाकर रेडी कर लिए हैं। साइड में हमारा ऑयल भी एकदम अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके सारे बॉल्स इसमें डाल देंगे। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम पर रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे अलटते पलटते गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं लगभग 5 से 6 मिनट में ही एकदम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इसे कलर भी कितना बेहतरीन आया है आप देख सकते हैं। इस स्टेज पर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा सुपर टेस्टी गेहूं के आटे से बनने वाला है नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। सो गाइज, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक बटन पर क्लिक करें और साथ ही रेसिपी क्रिएशन हिंदी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।